जवाब इसका सिंपल है हाँ कि 2014 में जो अदानी देश के वेल्दीएस्ट दुनिया के वेल्दीएस्ट लोगों में 40वें नंबर पे था, वो इन 9 सालों में नंबर 1 पे हो जाता है। और जो देश के गरीब से गरीब लोग हैं उनकी आय जो है वो 60% से ज़्यादा गिर जाती है। जो एलपीजी सिलेंडर 2014 में 350 रुपए का मिल रहा था, 1250 रुपए का मिल रहा है। जो पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिल रहा था वो आज 100 रुपए पार कर चुका है। आटा दूध हर हर सेक्टर में महंगाई है। तो ये देश के बेमिसाल नहीं, ये मोदी जी के और मोदी जी के मित्रों के बेमिसाल 9 साल रहे हैं। इसमें देश की जनता ने 9 सालों में एक तरह से जो कठिनाइयों का सामना किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। हमारा बेरोजगारी दर की हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हमने देखा है फ्री इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो ये इन 9 सालों में हमने देखा है। हमने इन्फ्लेशन देखा है। तो ये अजय शेहरावत जी और उनकी पार्टी के लिए बेमिसाल 9 साल हो सकते हैं, देश की जनता के लिए ये बेमिसाल नहीं है। ये 9 साल देश की जनता के लिए बदहाल रहे हैं।